गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर टॉपिक चेंज इन बॉडी शेप। तो एडल्सन्स के टाइम में हमारे बॉडी शेप में भी चेंजेस होता है। सो हैव यू नोटिस्ड दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। सो जूनियर क्लासेस में जो स्टूडेंट हैं, मतलब प्रीवियस क्लासेस के अंदर, उससे यह जो एज के पीरियड के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके शोल्डर भी ब्रॉडर मतलब चौड़े एंड वाइडर चेस्ट भी बड़ी होती है। दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो यह कारण यह है कि ये प्यूबर्टी के एज में पहुंच गए हैं। सो व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। तो शोल्डर जब बड़े होते हैं, चौड़े होते हैं, इट इज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। व्हेन इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। और बॉयज़ के अंदर जो मसल्स होते हैं बॉडी के, इट ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन गर्ल्स। गर्ल्स से ज़्यादा वो मसल्स ग्रो होते हैं। सो दस चेंजेस अकरिंग इन एडल्सन बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो बॉयज़ में और गर्ल्स में एडल्सन से समय के दौरान जो चेंजेस होते हैं डिफरेंट होते हैं। ऑल्सो वॉइस चेंज, आवाज़ भी बदल जाता है। डिड यू नोटिस दैट समटाइम द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। कई बार आपके क्लास के बॉयज का वॉइस क्रैक होता है। एट प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लारनेक्स लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। तो वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स जो होते हैं वो भी ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। सो बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। और बॉयज का वॉइस लार्ज होता है, बड़ा होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एट अ प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। इन गर्ल द लैरिंग्स इज हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। जबकि गर्ल में जो लैरिंग्स जो होते हैं हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर की साइड वो विजिबल होते हैं बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, छोटी साइज की वजह से। सो जनरली गर्ल्स हैव हाई पिच्ड वॉइस। तो लड़कियों का जो आवाज़ होता है हाई पिच्ड वॉइस मतलब पतला होता है। वेयर एज बॉयज हैव अ डीप वॉइस, जबकि लड़कों का वॉइस डीप मतलब गहरा होता है। In adolescent boys, sometimes the muscles of the growing voice box go out of control and the voice become hoarse. Sometimes the muscle of the growing voice box go out of control, control के बाहर जाते हैं and the voice becomes hoarse, मतलब बहुत ही गाढ़ा वॉइस होता है। This state may remain for a few days or weeks, और ऐसा थोड़े दिन या तो हफ्ते तक होता है। After which the voice becomes normal. और एकाध वीक के बाद यह वॉइस नॉर्मल भी हो जाता है। यू कैन सी इन दिस फेस, यहाँ पे आप देख सकते हो थ्रोट की साइज जो एडम्स एप्पल है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। नाउ इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वेट एंड सब्सीस ग्लैंड्स। तो पसीना भी बढ़ जाता है, पसीने में भी बढ़ोतरी हो जाती है। सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी द सेक्रेशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स एंड सब्सियस ग्लैंड्स मीन्स ऑयल ग्लैंड्स इंक्रीजेस। मतलब आपके मुंह के ऊपर ऑयली ऑयली आपको महसूस होता है और कई बार आपको पिंपल्स भी होते हैं। ये टाइम में ऑयल ग्लैंड्स की वजह से ही ये पिंपल्स होते हैं, मुहासे जिसको बोलते हैं। सो मैनी यंग पीपल गेट एक्ने एंड पिंपल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम। यह समय पे बहुत सारे स्टूडेंट्स के फेस पे पिंपल्स और एक्ने होते हैं बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग एक्टिविटी ऑफ दिस ग्लैंड्स इन द स्किन। तो स्किन की अंदर की ये जो ग्लैंड है उसकी एक्टिविटी की वजह से पिंपल्स होते हैं। ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। तो सेक्स ऑर्गन्स भी जो होते हैं उसके अंदर भी डेवलपमेंट होता है। सो लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3 ऑफ द प्रीवियस लेसन। तो प्रीवियस लेसन के अंदर फिगर 9.1 एंड 9.3 थी जो आप देख सकते हो। वी सो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन, जो ह्यूमन के सेक्स ऑर्गन दिखाता है। एट प्यूबर्टी मेल सेक्स ऑर्गन्स लाइक द टेस्टिस एंड पेनिस डेवलप कम्प्लीटली। प्यूबर्टी के दौरान मेल के सेक्स ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस एंड पेनिस होते हैं, दे डेवलप कम्प्लीटली। एंड द टेस्टिस ऑल्सो बिगिन टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, और इसके अंदर स्पर्म्स भी प्रोड्यूस होना स्टार्ट होते हैं। व्हेन इन गर्ल द ओवरीज एनलार्ज एंड एग्स बिगिन टू मैच्योर। ऑल्सो ओवरी स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, ओवरी में एग भी मैच्योर होने लगते हैं। ऑल्सो रीचिंग मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। तो बॉयज़ और गर्ल्स के अंदर मेंटल इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी भी आती है। सो एडल्सन्स इज ऑल्सो पीरियड ऑफ चेंज इन अ पर्सन्स वे ऑफ थिंकिंग। तो पर्सन लोगों की सोचने की थिंकिंग में भी चेंज आ जाता है यह एज में।
सो एडल्सन्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर. तो पहले से एडल्सन्स के दौरान बच्चे के अंदर स्वतंत्रता, मोर इंडिपेंडेंस, ज़्यादा इंडिपेंडेंसी आ जाती है. एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्सियस, और खुद भी सोचने लायक बन जाते हैं. इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी उनके अंदर आता है, टेक प्लेस. एंड दे टेंड टू स्पेंड कंसिडरेबल टाइम थिंकिंग, और ज़्यादा समय ये सोचने में भी लेते हैं. इन फैक्ट, हकीकत में, इट इज़ ऑफन द टाइम इन वंस लाइफ व्हेन द ब्रेन हैज टू ग्रेटेस्ट कैपेसिटी फॉर लर्निंग. और उसी समय में भी द ब्रेन हैज द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी, और दिमाग की कैपेसिटी भी पढ़ाई के लिए ज़्यादा हो जाती है. समटाइम्स हाउएवर एन एडल्ट मे फील इनसिक्योर, कई बार ऐसे स्टूडेंट खुद को इनसिक्योर भी फील करते हैं वाइल ट्राइंग टू एडजस्ट टू द चेंजेस इन बॉडी एंड माइंड. तो अपनी बॉडी में और माइंड में जो चेंजेस होते हैं वो उसके बारे में ये इनसिक्योर हो जाते हैं. बट एज एडल्ट लर्नर्स यू शुड नो दैट देर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर. तो आपको इनसिक्योर फील करने की ज़रूरत नहीं है. ये समय ही ऐसा है एडल्ट के, जो एडल्ट बनने में आप परिवर्तित जब होते हो, सो आप चाइल्ड में से आप एडल्ट बनने का आपकी शुरुआत होती है. सो आपको इनसिक्योर फील करने का कोई रीज़न नहीं है. दीज चेंजेज आर अ नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, ग्रोइंग अप का ये नेचुरल पार्ट है. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वी आर लर्निंग टुमारो अबाउट इट. तो मैंने जितना आपको समझाया वो आप अच्छे से रीड कर लेना. थैंक यू ऑल ऑफ यू.